दरबार साहिब तुसी अपनी टीम दे नाल लंबा समा रहे और होली हो बहुत बरीकी दा काम सी जिहड़ा तुसी कीता और बहुत अमीर विरासत क्योंकि सब तो केंद्रीय स्थान मन्नेया जांदा है और उस वेले जदों उन्हूं बनाया गया होएगा तो ये चीज़ दिमाग च रखी होएगी कि यह बड़ी पावन पाक मुकद्दस थां रहने वाली हैगी है क्योंकि जिहदी नींह ही उन्होंने साईं मियां मीर तो रखाई सीगी। सो जदों उत्थे काम कर रहे सीगे ते किद्दां दी दिनचर्या रहिंदी सी तुहाडी? दिनचर्या तो नॉर्मल यही सी कि मैं मंडे टू फ्राइडे उधर ही होंदी सी, सिर्फ सैटरडे संडे चंडीगढ़ वापस आती सी। तो उधर पूरी टीम ने इकट्ठे एक टाइम ही जाना है तो सब ने पाठ करके अमृत चख्या भी होया सी साडे कई टीम मैंबर्स ने तो सुबह सवेरे पाठ करके नहा धो के असी सवेरे जाते सी पूरा दिन उधर ही कीर्तन नाल। एंड कोई कोई जना लंच लई बाहर जांदा सी वह भी असी लंगर ही छकते सी। सो बाहर किधर होर नहीं जाते गुरुद्वारे विच ही होंदे सी। ते उहदे बाद पंच जद तक लाइट है डिपेंडिंग ऑन समर्स और विंटर्स, गर्मियों में ज़्यादा लंबा सी टाइम बिता देंदे सी शामी ते सवेरे जल्दी जाते सी कि दोपहर च गर्मी ज़्यादा आती इतना ज़्यादा काम लगातार नहीं हो पाता। ते विंटर्स विच असी मॉर्निंग टाइम आफ्टरनून टाइम ज़्यादा उधर काम करते सी, लेकिन समर्स विच ईदर अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाना जल्दी काम करना, लंच ब्रेक ज़्यादा लंबी ले लेनी ते इवनिंग विच काम करना। ते इट वॉज ओ टाइम तो मैं कदे भी नहीं भूल सकती बिकॉज एंड हमेशा मैनू रहेगा कि मे बी दोबारा मौका मिले क्योंकि इट वॉज डिवाइन। दरबार साहिब रिवाइव्ड द होल जर्नी बचपन तो जिस तरह मैनू इस तरह लगे कि यह मेरी डेस्टिनेशन सी। और एक साल का मैं प्लान बनाया सी जो मैं प्रपोजल दिता सी लेकिन वो तीन चार साल लग गए क्योंकि उधर संगत भी काफ़ी होंगी है। मैं स्पेक्यूलेट नहीं किया सी कि क्या क्या की चैलेंजेस आएंगे मेरे को। तो एक समअप होया वो सारी जर्नी का बचपन तो जो मेरे हाथ में नहीं सी कि मैं सिख स्कूल में जावा गुरमुखी सीखा कीर्तन करा। सिर्फ बच्चों की ड्यूटी होंगी सी कि किसी ने तबला बजाना है किसी की आवाज़ अच्छी उसने कीर्तन करना तो लेकिन बैठते सारे सी कीर्तन गुरुद्वारे च मेरे नाल जिन्ने भी कम हुए इट वॉज लाइक जैसे नेचर इज करवा रही है। चोला साहब आए वह भी अनयूजुअल तरीके नाल, मैनू कोई जानता नहीं सी कि यह कॉन्जरवेटर चंडीगढ़ में कोई है। कोई भी जाएगा तो वह जान के नैशनल म्यूजियम गए उन्होंने मना कर दिता, इंटैक NRLC गए मना कर दिता। तो वो गए थे म्यूजियम चंडीगढ़ म्यूजियम एंड बाय चांस मेरी फ्रेंड जी क्यूरेटर सी नॉर्मली उस रिसेप्शन की कॉल नहीं उठाती। इट वॉज अनयूजुअल लाइक मिराकुलस कि उस दिन कहती मैं पहली बारी पता नहीं मैंने क्यों मैं वह कॉल मैं उत्थे खड़ी हुई सी रिसेप्शनिस्ट सी नहीं और ना भी हो तो मैं नहीं उठाती तो मैं उठा ली। एंड इट वॉज अबाउट दिस चोला साहब जी एंड आई हैड रीसेंटली डन अ ब्रिटिश फ्लैग वेरी ह्यूज फ्लैग सिल्क का वो दिमाग ऐसी तो उन्हें कहा कि टैक्सटाइल साढ़े म्यूजियम नहीं आता लेकिन एक किसी मैं जानती हाँ जिन्हें हमने किया है एक पुराना 300-400 साल पुराना टैक्सटाइल तो मे बी वो थोड़ी हेल्प कर पाए। तो वह भी चोला साहब जी बड़ा अनयूजुअल तरीके आए अनयूजुअल तरीके जेड़े भी साइंस पढ़ी मैं रिलीजियस किस तरह नाल गई तो अल्टीमेटली कॉन्जरवेशन फील्ड रिलीजियस दैन मिक्सिंग ऑफ द साइंस कॉन्जरवेशन एंड रिलीजन एंड आई गॉट इन टू ऑल दीज ऑबजेक्ट्स एक दो नहीं काफ़ी सारे मैं कर लेने अज तक। दसवें गुरु जी दे दस्तार साहब जोड़ा साहब सिक्स गुरु जी के हुक्मनामे टेंथ गुरु जी दे गुरु ग्रंथ साहब जी ते और गोल्डन टेंपल एक तरह का फुलफिलिंग सी कि वो सारा मैनू जर्नी नू एक तरह नाल एक और जरा रूटीन सी साडा कीर्तन रोज़ होने और मेरे को अजे भी मैं कहते ना मुड़ जड़ा वल नू हाँ ते वो सारी एक निचोड़ जा लाइफ द सेंट्रल पॉइंट मैनू लगता है। ते वो इवन जड़ा तुसी कहोगे कि रूटीन ते ऐ भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा कोई रूटीन शायद नहीं सी क्योंकि चंडीगढ़ में कोई कल्चर नहीं सी इस तरह का हिस्टोरिकल तो मैनू मिल नहीं रहा सी रेगुलर वर्क तो एक रेगुलर रूटीन उस तरह का नहीं बन रहा सी। तो मैं उस
गोल्डन टेंपल एक हरिमंदर साहिब जी एक ऐसा प्रोजेक्ट सी जिथे मेरा एक रूटीन बनया। अर्ली मॉर्निंग तो शाम दे 5-6 बजे तक मैं कॉन्जर्वेशन ही कर रही सी। ते एक प्रोफेशन विच एक ठहरा मतलब एक यू कैन से ग्रोथ आई।